आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल Zoe Study में। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सब्जेक्ट द फॉलोइंग के सम्स। तो चलिए अब सीखते हैं। अगर हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर बचेगा 1। तो हमें नीचे लिखना पड़ेगा 1। अब 5 में से अगर 1 हमने माइनस करा तो हमारा आंसर बचेगा 4। तो हमें नीचे लिखना पड़ेगा 4। तो हमारा टोटल आंसर आया है 41। तो चलिए अब दूसरा करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर बड़ी संख्या नीचे है छोटी संख्या ऊपर तो हम इसे कैसे माइनस करेंगे, माइनस होगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हमें इसको माइनस होगा। तो चलिए आप करते हैं। अब ये बड़ी संख्या है, हमें इसको ऊपर ले जाना होगा, जो छोटी संख्या है उसको नीचे। तो चलिए आप करते हैं। 63, 52, ये हमने उतार लिया है। तो चलिए आप करते हैं। 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर बचेगा 1। तो हमें नीचे लिखना पड़ेगा 1। अब हमारे पास है 6। 6 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर बचेगा 1। तो हमें नीचे लिखना पड़ेगा 1। तो चलिए अब दूसरा मैं सिखाती हूँ जिसमें 0 होता है। ये हमने 0 करा है। अब आप ये सोच रहे होंगे हम ऊपर ले जाएं उसको नीचे ले जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इसको कैरी देगा, ये अगर इसको कैरी देगा तो ये बन गया 4। 1 माइनस करना है, जब इसको कैरी देंगे तो 5 नहीं 4 बनेगा। और ये जो 0 है उसमें हमें 10 बनाना पड़ेगा। तो 10 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर बचेगा 5। तो हमें नीचे लिखना पड़ेगा 5। अब हमारे पास है 4। 4 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर बचेगा 2। तो हमें नीचे लिखना पड़ेगा 2। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करना। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।